बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेघरा अनुमंडल मुख्यालय के तेघरा रेलवे स्टेशन के साथ सरकार एवं रेल विभाग के अपेक्षापूर्ण रवैया के खिलाफ रविवार को नगर परिषद तेघरा के दनियालपुर में संयुक्त संघर्ष समिति के बैठक तले प्रबुद्ध लोगों एवं राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक शशिभूषण भारद्वाज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। संचालन कौशल किशोर राय ने की बैठक को संबोधित करते हुए समाज सेवी कृष्ण नंदन मिश्रा ने कहा कि तेघरा स्टेशन पर सारी यात्री सुविधाओं को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत पर बल दिया। शिक्षक शमशेर आलम ने कहा कि तेघरा स्टेशन की समस्या को लेकर जब हम एकजुट हो जाएंगे तो स्टेशन का जीर्णोद्धार होकर रहेगा। किसान नेता दिनेश सिंह ने अपने संबोधन में आंदोलन को तेज करने के लिए आवश्यक सुझाव दिया तथा कहा कि हमें लामबंद होकर इस आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। समिति के संयुक्त सह अधिवक्ता शशिभूषण भारद्वाज ने तेघरा स्टेशन के विकास के लिए लंबे संघर्षों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि तेघरा स्टेशन पर सभी यात्री सुविधाओं को धीरे धीरे समाप्त कर इसे होटल बनाने की साजिश की जा रही है। तेघरा स्टेशन हमारी अस्मिता से जुड़ा है। उन्होंने इस स्टेशन के प्रति स्थानीय सांसद, राज्यसभा सांसद एवं विधायक के रवैये पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस स्टेशन के अस्तित्व को बचाने के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि यदि शीघ्र तेघरा स्टेशन का जीर्णोद्धार नहीं किया जाएगा और महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया जाएगा तो अब तेघरा की जनता आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब तेघरा के लोगों का अंतिम निर्णय है कि तेघरा स्टेशन का विकास नहीं हो तो वोट नहीं। संचालन कर रहे कौशल किशोर ने कहा कि आंदोलन में लोगों को बड़े पैमाने पर जोड़ने के लिए आंदोलन आपके द्वारा की शुरुआत की जाएगी। बैठक को डॉक्टर उग्र नारायण पंडित, मकबूल आलम, पवन ठाकुर अधिवक्ता, पारसनाथ राय, रुचि सिंह, सुरेंद्र सिंह, मोहम्मद अताउर रहमान, अजित कुमार राय, सुधीर कुमार सिंह, अशोक कुमार ठाकुर आदि ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन रोशन कुमार ने किया। बैठक के इस मुद्दे को लेकर जनसंपर्क का अभियान चलाने एवं लोगों को जागरूक करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षक अवधेश कुमार, रंजीत कुमार, सरोज कुमार पासवान, पूर्व मुखिया अशोक सिंह, सुमन प्रसाद सिंह, भोला पासवान, हरिराम राय, अधिवक्ता प्रमोद कुमार, सुचेतानंद राय, विवेक सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। स्थिति यह है कि आज यह स्टेशन हॉल्ट बनकर आ गया है और